हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अनीस। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिबिस्कस की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि इसमें रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन में आपके प्लांट्स में बहुत सारे इस समय पे फंगस, बहुत सारे डिजीज वगैरह, बहुत सारा कुछ जो है लग रहा होगा। तो चलिए आइए एक एक करके हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं बड ड्रॉप्स के ऊपर। दोस्तों, हिबिस्कस में बड ड्रॉप एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बड ड्रॉप मेनली दो कारणों से होता है, या तो आपके पौधों पे एफिड्स का अटैक हो गया हो, या फिर आपके पौधे पर जो है जो उसका पीएच लेवल होता है वो थोड़ा सा गिर गया हो। पीएच लेवल गिर जाने से आपका पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे की बस गिर सकती हैं, या फिर इररेगुलर वाटरिंग भी हो सकता है। दोस्तों, अगला स्टेप आता है हमारा एफिड्स का। अगर हम एफिड्स की बात करें तो इसके लिए आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है कीड़े होते हैं जो आँखों से नहीं दिखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई भी आप कॉन्टैक्ट फंगीसाइड या सिस्टमिक फंगीसाइड ले लीजिए, और एक बार आप जो है 15 दिनों पे एक बार आप इसको स्प्रे कर दीजिए, ये अच्छी तरीके से चले जाएंगे। अगली चीज़ आती है दोस्तों, इसके पत्ते पीले होना। पत्ते पीले होने के लिए आप इसमें इरेगुलर वाटरिंग या फिर इसका पीएच लेवल का डिक्रीज हो जाना, ठीक है दोस्तों। पीएच लेवल या फिर मतलब कि स्लाइटली एल्कलाइन हो जाना, इसकी वजह से जो है इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, वरना हिबिस्कस के पत्ते पीले नहीं होते हैं नॉर्मली। अगर इसकी अगली बात करें कि इसमें स्पाइडर माइट्स इन सब की प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों स्पाइडर माइट्स के लिए और माइट्स के लिए आप कोई सा भी आप इंसेक्टीसाइड या फिर आप पेस्टिसाइड ले लीजिए। आप पेस्टिसाइड का अगर आप स्प्रे करते हैं, कोई सा भी आप मार्केट में जाइए, कोई सा ही बोल दीजिए हमें पेस्टिसाइड दे दीजिए, तो आप उसको आप स्प्रे कर दीजिए। एक टाटा का टैपकोर नाम से आता है, जिसको नॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो आप उसको यूज करें तो बहुत अच्छा तरीका रहता है। दोस्तों, अगली इस आपके प्लांट्स में एक चीज़ आती है कि लीफ जो है पत्तियां आपकी मुड़ रही होंगी। ये देखिए, जैसे ये पत्तियां देखिए हल्की हल्की सी मुड़ रही है ना, ये देखिए पत्ती इरेगुलर शेप में है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी। देखिए, माइक्रोन्यूट्रेंट्स नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये तीनों तो होते हैं, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, ये सारे जितने भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं उनकी कमी से होता है। तो दोस्तों, आप कोई सा भी माइक्रोन्यूट्रेंट पाउडर आप अगर मार्केट में जाकर के मांगेंगे तो आपको 70-80 रुपए में आपको जो है आधा किलो का एक भी मतलब पाउडर वाला पैकेट लीजिए। स्प्रे करने वाला मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, आप सॉइल में उसको जो है 1 चम्मच दे दीजिए, बहुत बढ़िया वर्क करता है। दोस्तों, हिबिस्कस में नॉर्मली इतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपकी कोई और सी भी अगर क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।